कक्षा 11वीं में आज हम राजनीति विज्ञान का जो दूसरी बुक है भाग बा, उसका जो दूसरा लेसन है स्वतंत्रता, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो पार्ट वन है उसके बारे में, स्वतंत्रता हमने राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ा था कि हमें इसमें राजनीति में आने वाले कुछ शब्दों से परिचित होना है, तो उसमें से एक शब्द आता है स्वतंत्रता। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वतंत्र रहना हर व्यक्ति चाहता है, एक मानव की एक महत्वपूर्ण जो चाह रहती है कि वह है स्वतंत्रता। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ हमें तभी समझ में आता है, आपने देखा होगा कि विश्व में या कहीं पर किस प्रकार जो बहुत कहना चाहिए जो संपन्न या शक्तिशाली समूह के द्वारा किसी किसी के ऊपर अत्याचार किए गए हों, किसी को उस पर प्रभुत्व जमाया गया हो, तो तब उसको स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आता है। फिर उसके विरोध में भी कई लोगों ने अपने क्या किए, कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे नेल्सन मंडेला ने लड़ी, तो वो स्वतंत्रता के पाने के लिए जिनको स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। अब स्वतंत्रता अनेक क्षेत्रों में होती है, तो ये स्वतंत्रता ये सब हमारी राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की क्या है, मूलभूत संरचनाएं हैं, मतलब है। और कोई भी व्यक्ति की एकाकी जीवन में स्वतंत्रता समानता विधि का कोई महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी है, तो उसको स्वतंत्रता से वो परिचित है। तो स्वतंत्रता मानव जीवन की एक बहुत ही प्रिय है, मतलब चाह होती है कि वो स्वतंत्र रहे। तो और ये स्वतंत्रता उसके जन्म लेने से ही मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र ना रहना चाहे, और स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का विकास भी नहीं हो सकता है। तो हम मानव के जो व्यक्तित्व है उसके विकास में बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता का क्या है, महत्व है। कई उदाहरण ऐसे भी आए हैं, देश और समय के अनुसार उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किए गए और परतंत्र, और उसके बाद हमने उसको संघर्ष भी किया परतंत्रता से मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार हम स्वतंत्रता चाहते हैं। विश्व के इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई, वो भी स्वतंत्रता पाने के लिए हुई है। कई उदाहरण ऐसे हैं कि हमें जहाँ स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है, स्वतंत्रता की चाह के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो राजनीतिक ज्ञान में स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। स्वतंत्रता का आदर्श, मतलब आपको कुछ यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं आपकी बुक में NCERT है कि उसमें कि किस प्रकार इन्होंने संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता दिलवाई। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या किया कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेदी शासन के खिलाफ खुद अपने व्यक्तिगत संघर्ष लड़ाई की, और जो गोरे लोग थे जो अपनी अलगाववादी नीति है उनके खिलाफ संघर्ष किया, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए परेशानी में रहे, और इस प्रकार वो उन्हें जेल की सजा भी मिली। और इस प्रकार उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस प्रकार। और वो जो संघर्ष किया, ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष केवल अश्वेत लोगों के लिए किया, बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी एक प्रेरणा मिली कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। 28 वर्ष वो जेल में रहे और एक कोठरी में बिताए। और इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण है आंग सान सू, ये अभी की घटना है कि बर्मा म्यांमार में ये इनको भी एक सैनिक शासन के अधीन कर दिया गया। इन्होंने कुछ चुनाव में भी इन्होंने निष्पक्ष चुनाव में ये विजयी रहे, लेकिन उनको गिरफ्तार करके उनको नजरबंद किया। उनकी एक पुस्तक है फ्रीडम फॉर फियर, मतलब हमें डर से स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक भय रहेगा
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो जब रिहा हुई तो उन्हें चुनाव में भाग लेने से 2010 में, एक जनरल नॉलेज है ये, उनके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो स्वतंत्रता के लिए लड़ती रहीं। उसके बाद में निकलने के बाद उन्होंने 2012 में भी चुनाव को जीता, सांसद बनी, और इस प्रकार उनकी बाद में बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत ही उनको सम्मान मिला। तो म्यांमार में एक नया राजनीतिक युग क्या हुआ, आरंभ हुआ। तो इन दो उदाहरणों से आपको पता चल रहा है कि स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, उनके अलावा दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। अब हमारा मैन है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न राजनीतिज्ञों ने अपने अपने विचार बतलाए, परिभाषा दी, अर्थ लिखा, क्या है वास्तविक अर्थ, प्रतिबंध बंधों का ना होना ही क्या है स्वतंत्रता। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मतलब प्रतिबंध रहते हुए भी हम स्वतंत्रता कायम कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से स्वतंत्र हिंदी रूपांतरण हुआ, और इस प्रकार बंधनों का अभाव, मतलब कोई बंधन ना हो। तो यदि हम बिना बंधन के रहेंगे, समाज बिना बंधन की रहेगी, तो एक कहना चाहिए बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक दानवता का रूप धारण हो जाएगा समाज में, लोग मनमाना व्यवहार करेंगे, अराजकता चारों ओर फैल जाएगी। तो जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है वो बंधनों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है, बंधनों का होना ही क्या है स्वतंत्रता। हमारा देश आजाद है, हमारे संविधान में नियम लिखे हुए हैं कि हम उस नियमों के अधीन रहकर ही स्वतंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है वो प्रत्येक व्यक्ति को उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिनके करने से समाज के अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का परेशानी न हो। उन अधिकारों के प्रयोग से ना तो राज्य और समाज के कानून का उल्लंघन हो, मतलब हम बंधे हुए हैं कानून से, ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता हो है, और हम किसी भी प्रकार से किसी को भी बाधा ना हो। तो लास्की एक राजनीतिज्ञ थे, विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, जितने भी स्वतंत्रता के प्रकार हैं जिससे वो बाधित ना हो। ये देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने, सॉरी वैज्ञानिकों नहीं, राजनीतिज्ञों ने ये परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। सीले ने क्या लिखा है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। किसी के ऊपर हम अत्यधिक बंधन लगाते हैं तो उसका उल्टा क्या है, स्वतंत्रता। तो ये विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा स्वतंत्रता की क्या दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। महात्मा गांधी ने भी लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, वरन व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। मतलब हम बंधन में, नियम में रहकर ही अपने विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार और समाज को किसी व्यक्ति की सोच और उसके कार्य पर कोई भी अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हमने कई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किए, आपने देखा कि उस समय जो लोकमान तिलक थे उन्होंने एक नारा भी बनाया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मतलब अपने देश को आजाद कराने के लिए। और इसी प्रकार गांधी जी ने भी एक किताब अपनी हिंद स्वराज में कहा है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी क्या है स्वराज, और हम अपने ऊपर शासन तभी करेंगे जब हमें स्वतंत्रता मिले, वो भी नियमों में रहते हुए। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के हम देखते हैं लक्षण। तो स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न विद्वानों ने बताया, तो ये बताया कि स्वच्छंदता नहीं है,
स्वच्छंदता व्यक्ति को मनमाना व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि एक प्रकार की अराजकता जन्म लेती है। स्वतंत्रता सीमित होती है, मतलब नियमों के अधीन होती है, असीमित नहीं। स्वतंत्रता व्यक्तिगत धारणा कम और सामाजिक धारणा अधिक है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो हमें सामाजिक जीवन को भी ध्यान में रखकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता सकारात्मक भी अर्थ में भी लिया जाता है और नकारात्मक अर्थ में भी लिया जाता है। तो सकारात्मक अर्थ यह है कि जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने वाली परिस्थितियां, जिससे मानव का उचित विकास हो सके। तो नियंत्रित एवं मर्यादित वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकतम अवसरों की प्राप्ति का नाम ही क्या है? स्वतंत्रता। ये असली परिभाषा है स्वतंत्रता की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो स्वराज के बारे में पढ़ाया उस समय 20वीं शताब्दी में, तो जो उन्होंने बताया वो आज 21वीं शताब्दी में भी वो प्रासंगिक है, मतलब वो लागू होती है। अब स्वतंत्रता के हम दो पहलू ले सकते हैं, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू और में क्या होता है, जैसे आपने देखा था मिल के द्वारा कुछ, जैसे जेएस मिल ने स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू के बारे में बताया था। इसको मानने वाले जो विद्वान थे वो थे हॉब्स, रूसो, कोल, सील। उनका मतलब था कि व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। और जे एस मिल ने बताया व्यक्ति के जो कार्य स्वयं से संबंधित हैं उनमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक पहलू है, ये कुछ विचारकों ने बताया। व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू में ये 6 पॉइंट हैं कि पहला पॉइंट है स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, जबकि सकारात्मक में इसका उल्टा होता है। व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित है, इसलिए संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता से आर्थिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत उत्तम है। आपने देखा ना कि समानता को लागू करते हुए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाता है कि सभी लोग उस आने वाले अंकों के आधार पर ही उनका चयन किया जाता है। तो ये था स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू। इसके जो समर्थक थे वो थे ग्रीन विद्वान गांधी जी और लास्की हैं, जो कि स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू प्रदर्शित किया। उनका मतलब था कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता में। व्यक्ति को उसी चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे उसका उचित विकास हो सके। कार्यों पर उचित प्रतिबंध भी अनिवार्य है, उन प्रतिबंधों के साथ रह के ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण से स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, बल्कि उसके आध्यात्मिक विकास से भी हो सकती है, जिससे उसका मानवीय गुणों का उसमें विकास हो सके। कानून का पालन करने से स्वतंत्रता कम नहीं रहती है, बल्कि क्या रहती है? सुरक्षित। इतने मौलिक अधिकार आपने पढ़े, उसमें देखा ना कि आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो हमें अपने सरकार, अपने देश की शासन व्यवस्था, हमें खुद, अपना घर परिवार
समाज को चलाने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? यदि प्रतिबंध नहीं होंगे तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा, हमें प्रतिबंधों की जरूरत है, नहीं तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, एक गड्ढे में चला जाएगा और विभिन्न प्रकार के लोग हावी हो सकते हैं। समय क्षण क्षण पल पल में क्या हो सकते हैं, मत मतांतर मतलब वाद विवाद हो सकते हैं और इस प्रकार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम छोटे छोटे कारणों से लड़ाई करना शुरू कर देंगे कि नहीं हमें अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करनी है, क्योंकि कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कहीं भी पार्किंग करेंगे और यदि उचित किसी से वाद विवाद और लड़ाई भी हो सकते हैं, इससे हमें क्या होगा, जनहानि हो सकती है। और इस विवाद के निपटारे के लिए हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूर होगा, इसलिए हमने ये प्रतिबंध बनाए गए हुए हैं, नियम बनाए गए हैं, ताकि इन नियमों को बीच में रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रता के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण आपको प्रश्न भी बता सकते हैं। किस प्रकार नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष हैं। धन्यवाद।